हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ्रेंड डॉक्टर फरहत जहाँ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं पिछले 20-25 सालों से ऑब्स्टेट्रिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यही आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। ये आप माइंड मेकअप बना लीजिए। माइंड मेकअप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल फैशन सा हो गया है कि हम पेन नहीं झेल सकते, हमारा ऑपरेशन कर दीजिए या हमारा वजाइना रिलैक्स हो जाएगा। नहीं, सबके लिए ट्रीटमेंट है। बाद में कीगल एक्सरसाइज है जिससे आपका पेल्विक फ्लोर वापस से टाइट हो जाता है और नॉर्मल ही आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बेहतर है। बच्चे घुट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अगर कॉम्प्लिकेशन फ्री डिलीवरी है तो यही आपके लिए बेहतर है। अब सबसे पहले है इसमें माइंड मेकअप, रूटीन चेकअप, ताकि आपकी पूरी 9 मंथ आपकी रिस्क फ्री डिलीवरी रहे, आपको कोई एनीमिया ना हो, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, आप पूरा अच्छे से टैटविक इम्यूनाइजेशन और आयरन वगैरह के सप्लीमेंट लेते रहें और पूरे 9 मंथ अच्छे से एक्सरसाइज करते रहें। थ्रू आउट 9 मंथ प्रेगनेंसी आप कम से कम 20 से 40 मिनट का वॉक लें। आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क जारी रखें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क करती रहें। अगर आप ऑफिस गोइंग वूमेन हैं तो आप ऑफिस की छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से नॉर्मल ऑफिस वर्क कर सकती हैं। अपने डाइट की अच्छे से ध्यान रखें, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सप्लीमेंट, सब कुछ अच्छे से राइट अमाउंट में लेती रहें। अपना टेटवेक इम्यूनाइजेशन करा लें और आप इसके लिए नॉर्मल जो है वॉकिंग सबसे अच्छा है, लेकिन उसमें हाई हील बिल्कुल अवॉइड करें। आप स्विमिंग भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कहीं स्विमिंग पूल का पानी इन्फेक्टेड तो नहीं है। बार बार अच्छे से चेंज कर रहे हैं और इन्फेक्शन का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी इज फर्स्ट। आप ट्रैवल भी कर सकती हैं, आप 12 से 12 वीक्स टू 30 वीक्स के बीच में नॉर्मल है, सेफ है, लेकिन वही सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं। इस टाइम पे एक बैक एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, ये एक हार्मोन होता है रिलैक्सिंग हार्मोन, इसके रिलीज होने की वजह से जिससे सारे लिगामेंट जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में आसानी हो। तो कई बार इसी की वजह से बैक पेन भी होता है। इसके लिए हॉट एंड कोल्ड आप पैकिंग पैक कर सकते हैं, अपनी सिकाई कर सकते हैं कमर की, अपना स्ट्रेंथ और स्टेमिना बना करके रखें, किसी भी तरह से स्ट्रेस फ्री रहें। आपके स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पे। और जब लेबर पेंस का टाइम होता है तो अगर आपका स्ट्रेस में है तो उस टाइम बच्चा म्यूकोनियम पास कर सकता है, उसकी धड़कन खराब हो सकती है। तो उसके लिए रिलैक्सेशन के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और रिलैक्स रहें। इस टाइम आपका अपना इमोशनल क्वेश्चन भी बना करके रखना है पूरे थ्रू आउट 9th मंथ प्रेगनेंसी। कोई ऐसा होना चाहिए आपके पास, प्रीफरेबली हस्बैंड, नहीं तो कोई भी हो सकता है, जो 9 मंथ आपकी केयर करे, आपको मेंटली सपोर्ट रखे। इसके लिए एक्सरसाइज जो प्रेफरेबल है पुराने जमाने की, कि आप स्क्वाटिंग पोजीशन में, इससे हेड एंगेजमेंट में हेल्प मिलती है, मतलब बच्चा आपका हेड जो है बर्थ कैनाल में चला जाता है। अगर आप स्क्वाटिंग पोजीशन तो हिप थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ज़्यादा स्पेस मिलता है और हेड एंगेज हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। और एक डक वॉक है कि जैसे पुराने लोग कहते थे भाई पोछा लगाओ, तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और स्क्वेटिंग सबसे अच्छा है। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा है आप वॉक करें। और कई सारे तो इंडिकेशन ऐसे होते हैं, देखिए आप उसमें सीजेरियन अवॉइड नहीं कर सकते, उसमें ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए आपका जो है कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है, आप पेशेंट का बीपी हाई है, उसकी वजह से पेशेंट को झटके आ रहे हैं, या प्लेसेंटा प्रीविया है, बच्चे की नाल जो है एकदम सर्विक्स के मुंह पर आ गई है, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा बहुत बड़ा है तो भी आपके बच्चे की डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, बच्चे ने लेटरिंग कर दी है, या बच्चे की धड़कन बहुत ख़राब हो रही है, या बच्चा बहुत कमज़ोर है, पानी बिल्कुल कम है कि वो नॉर्मल डिलीवरी का स्ट्रेस झेल ही नहीं सकता है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन पे, अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा रखिए। वो जो आपके लिए फैसला करेगा वही आपके लिए सही होगा, जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों सेफ हो। और यही थे आज के लिए सारे टिप्स नॉर्मल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।